अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज जुवेरिया सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग इनसाइड रिएक्शन। आज हमारे पास एक और कोरियन सीरीज है जिसका ट्रेलर आ गया है। कोरियन इंडस्ट्री जो है, के ड्रामास जो गर्ल्स इतना पसंद करती हैं, हमारी जो छोटी छोटी टीन एज में लड़कियां हैं, इवन बॉयज भी, और अब तो यानी कि प्रॉपर जो लड़कियां होती हैं इन अर्ली ट्वेंटीज, इवन इन लेट ट्वेंटीज, उनको बहुत मजे के लग रहे होते हैं के पॉप जितने भी हो गए, किम तायंग, जंगकुक वगैरह, सारे जिमिन, सारे कोई ना कोई किसी ना किसी का बाइस जरूर होता है, आई नो। लेकिन के ड्रामास की जो गेम स्ट्रांग हो गई है, अब अगर हम बात कर लें ऑल ऑफ अ डेड की, स्क्विड गेम की, और अब स्वीट होम, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग गेम हो चुकी है। अब हॉलीवुड बॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया है कोरियन इंडस्ट्री ने, और मुझे लग रहा है जो कंटेंट बना रहे हैं, जो वो दिखा रहे हैं, जो इमोशंस दिखा रहे हैं, एक्शंस दिखा रहे हैं, जो प्रोडक्शन है, वो आई डोंट थिंक सो कि अब हॉलीवुड में कहीं मिल रही है या फिर लॉलीवुड बॉलीवुड में कहीं मिल रही है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं स्वीट होम 2 का ट्रेलर का रिव्यू, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका ट्रेलर कैसा है, तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन अच्छा, अगर मैं बात करूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अच्छा ट्रेलर नहीं है, टीजर है, मैंने अभी चेक किया है। द थिंग इज के जो मेन कास्ट में वो सोंगकंग है, सोंगकंग में लाइक आई एम लाइक अ बिगेस्ट फैन ऑफ सोंगकंग, जो बात है मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेवरथलेस मैंने उसका पूरा देखा है, सारी लड़कियां कह रही होती ओ नेवरथलेस इट्स नॉट माय वाइब, और वो बहुत ज्यादा यू नो व्हाटएवर, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, बट नेवरथलेस मैंने देखा है, फॉरकास्ट अलार्म देखा है, और यानी कि इसके जितने सीजन आए हैं भाई ऑन पॉइंट है। क्या उसने एक्टिंग की है भी प्यारा, हाइटेड है, मतलब लड़कियां समझ सकती है, लड़कियां समझ सकती है, लड़कियां लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि उनको कैसा लगता है सोंगकंग। लेकिन सोंगकंग के अलावा भी बहुत सारी यानी कि एक्टर्स हैं, और जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर डिसेंडेंट ऑफ द सन बनाया था, डिसेंडेंट ऑफ द सन जो है उनका मैं कहती हूँ वन ऑफ द बेस्ट प्ले था। इसके अलावा मिस्टर सनशाइन उन्होंने बनाया, तो डायरेक्टर भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन मुझे नहीं पता कि स्वीट होम 1 में उन्होंने क्यों क्या उन्होंने किया है, मुझे नहीं समझ आया। अच्छे खासे ड्रामे बना रहे थे, अच्छे खासे के ड्रामा चल भी रहे थे, लेकिन स्वीट होम 1 मैंने देखना शुरू किया और मैं थी कि ये क्यों है, लेकिन मैं क्यों देख रही हूँ। 4 एपिसोड में मेरा दिमाग इतना खराब हुआ है, इतना एब्रप्ट था सब कुछ, इतना इनकोहेरेंट था, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब नहीं, कोई भी एलियन, कोई भी क्रिएचर कहीं से भी आ रहा है और कुछ भी कर रहा है, लेकिन इतने अजीब गंदी सीजीआई इमेज यूज की गई थी कि मैं मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैंने कंप्लीट नहीं किया, ये भी मैं बता देती हूँ, स्वीट होम की 4 एपिसोड बड़ी मुश्किल से देखी गई है, इससे ज्यादा मुझसे नहीं देखी जानी थी। लेकिन अब स्वीट होम 2 मैंने सुना है कि इन्होंने कुछ ना कुछ बेहतरी लेकर आए, तो देखते हैं स्वीट होम 2 का टीजर और फिर हम आगे बात करते हैं। चले लेट्स स्टार्ट। ओके मोया 사람이야? 아니면 괴물이야? 우리가 운이 좋거나 잘나서 여기 있는 거 아니야. 다른 사람들 목숨값으로 겨우 산 거야. 그거 헛되게 하지 마. 괴물이 온 세상을 다 집어삼켜버렸는데. 이 재난을 막기 위해 괴물을 즉시 사살한다. 나를 통해서 백신을 만들 수 있어요? 아마 죽여 살라고 애원할 거야. 괴물이 되더라도 스스로 선택할 수 있다는 작은 힘은 대로 잊고 싶지 않으니까. 내가 인간이라는 걸. 1 दिसंबर को रिलीज हो रहा है स्वीट होम, और अच्छा बनाया हुआ है यार, इस दफा मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे, बट जो इन्होंने लाइक इमेजेस, मुझे मॉन्स्टर्स के भी नहीं पता जो कि नहीं दिखाए हैं, इतने इतने कुछ ऐसे नज़र नहीं आए क्लिप्स, लेकिन जो सोंगकंग को जो उन्होंने दिखाया है, लाइक अगर हम बात करें ना, 3 साल पहले स्वीट होम आया था,
तीन साल में एक्टर्स ने बहुत ग्रो किया है, ठीक है। सॉन्ग कांग के बहुत सारे प्लेज आए, इसके अलावा डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर भी उन्होंने ग्रो किया होगा। लाइक आप सीखते हो और अपनी गलतियों से ही सीखते हो, तो मुझे लग रहा है कि स्वीट होम की जो स्टोरी है इस दफ़ा वो काफ़ी अच्छी है। अच्छा, स्टोरी लाइन में क्या है कि सॉन्ग कांग जो बेसिकली हैं, चार यूनसो जो प्ले कर रहे हैं, उनका ये है कि उन सबसे पहले तो आपने ये कर लेना है कि वायरस है, इट्स अ काइंड ऑफ वायरस, कि कुछ ह्यूमन होंगे जिन पे वो के ठप्पे लगा रहे थे कि ये ह्यूमन है और ये ह्यूमन नहीं है, लेकिन आई थिंक वो उनकी वैक्सीन है या एंटीडोट है, जो उनका ब्लड है सॉन्ग कांग का वो एंटीडोट है, और वो सम हाउ किसी ना किसी तरह वो कह रहे हैं कि मैं सेक्रीफाइस कर देता हूँ, या कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होंगे कि मैं सेक्रीफाइस कर देता हूँ फॉर द ह्यूमन, फॉर द यू नो, फॉर द वेलफेयर ऑफ एंड बेनिफिट्स ऑफ अदर, मैं अपने आप को यानी कि कर देता हूँ कुर्बान। तो उस पर ये बेस्ड है और मुझे स्टोरी बहुत बेहतर लग रही है। अगर हम देखें व्यूज़ वगैरह, एंगल्स वगैरह बहुत अच्छे लिए गए थे, फर्स्ट के बहुत बेकार थे, सीरियसली फर्स्ट देखने के काबिल नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत हिट हुआ था ऑन नेटफ्लिक्स। लेकिन अब जो 1 दिसंबर को ये रिलीज़ हो रहा है, मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि के ड्रामास जो है ना, उन्होंने ये 4-5 सालों में बहुत, पहले भी बहुत अच्छे थे नो डाउट, लेकिन ये जो 4-5 साल में जो ड्रामास ने पकड़ी है, एक के मनी हाइस्ट आ गया है, एक और था इट्स ओके नॉट टू बी ओके, लाइक इतने ड्रामास आए हैं और लड़कियाँ देख ही के ड्रामास हैं, लड़कियाँ नहीं देख रही हैं, लड़कियाँ ना हॉलीवुड की मूवीज़ देख रही हैं, ना लॉलीवुड की, वो बात ही करती हैं कि अच्छा वो कैसा है, वो कैसा है, बात ही उनकी के पॉप आइडल से शुरू होती है और के ड्रामास पे ख़त्म होती है। तो आप मुझे बताएं कि आपका फेवरेट के पॉप आइडल कौन सा है, और कौन सा ऐसा एक्टर है के ड्रामास में जो आपको अच्छा लगता है। मेरा तो पता लग गया है कि एक सॉन्ग कांग है, इसके अलावा मुझे वो भी अच्छा लगता है जो था ना इट्स ओके नॉट टू बी ओके में, वो भी काफ़ी अच्छा है, और ली जोन-सुक मुझे बहुत पसंद है। तो आप मुझे बताएं कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहे इनसाइड रिएक्शन।